हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरी इवनिंग की चाय बन रही है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। वो भी घर पे आ गए अपनी ड्यूटी से, तो अब हम दोनों चाय पियेंगे। और मैंने शाम की सब्जी की तैयारी कर ली है डिनर के लिए। तो ये लंच के बाद मैंने दाल भी गोदी थी चने की, और लौकी काट के रखी है, और ये प्याज टमाटर हरी मिर्च कट करके रखे हैं। तो आज मैं बनाऊंगी चने की दाल लौकी। तो इन सबको ढक के रख देती हूँ, पहले चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद में ये सब काम शुरू करूँगी। तो मैं इवनिंग में ही रात की सब्जियाँ फ्राई कर देती हूँ, और फिर शाम को आराम से बाहर घूमने जाती हूँ थोड़े लिए, देर के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकल जाता है ना। तो मैंने चाय फिनिश करी और उसके बाद में आ गई किचन में। तो अब हम बनाएंगे चने की दाल लौकी। तो उसको बनाने के लिए मैंने पहले चने की दाल को भिगो के रख दिया था। जब मैंने लंच के बर्तन क्लीन किए थे, तो तभी मैंने एक कटोरी दाल को भिगो दिया था। और मैंने सब्जी लौकी अभी काटी है, और ये और वेजिटेबल्स जैसे प्याज टमाटर ये अभी कट किए हैं। तो अब मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पे। इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। जैसे आपको पता ही है कि मैं सारी सब्जियाँ अधिकतर सरसों के तेल में बनाती हूँ। मुझे सरसों का तेल का टेस्ट अच्छा लगता है सब्जी वगैरह में, तो रिफाइंड नहीं मैं यूज़ करती, मुझे सरसों का तेल ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैंने अपनी मसालेदानी खोल ली है, इसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी वल्दी सी गिर गई है, इसको कल क्लीन करूँगी। और ये तेल मेरा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। और मैं अधिकतर सब्ज़ियाँ जीरे में ही बनाती हूँ, बहुत से लोग राई में बनाते हैं, तो अपना अपना टेस्ट होता है। और उसके बाद मैं हींग डालूँगी। हींग तो मैं अधिकतर सारी सब्जियों में डालती हूँ, हींग अच्छा होता है पेट के लिए, और हींग डालना चाहिए सब्जियों में। तो ये मेरा जीरा चटक गया है। जब जीरा चटक जाए तो फिर मैं प्याज डालूंगी और उसको फ्राई करूंगी। तो प्याज डाल के थोड़ा सा गोल्डन कर लूंगी इनको। फिर इसमें टमाटर डालूंगी और कटी हुई ये जो मैंने क्या कहते हैं इसको लौकी रखी है उसको डालूंगी। तो प्याज लगभग फ्राई होने वाले हैं मेरे, तो इनको चला देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर, वो प्याज फ्राई हो गए हैं। अब इसमें टमाटर मैंने डालने हैं, और इसको मैं चलाती रहूँगी जिससे जले नहीं। और ये कुकर मेरा थोड़ा बड़े साइज़ का है, छोटे वाला कुकर मेरा ख़राब हो रहा है, अभी मुझे लाना है। तो अभी मैं इसी में बना लेती हूँ। ऐसे बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन यह थोड़ी सब्ज़ी बनाने के लिए बड़ा है। तो ये प्याज हो गई है फ्राई, तो इसमें मैं टमाटर हरी मिर्च डालूंगी। और हरी मिर्च को मैं छोटी छोटी कट करके नहीं डालती, बड़ी कट करके बीच में से चीरा लगा के डाल देती हूँ, तो उसका जितना भी चिल्ली का टेस्ट है वो सब्ज़ी में आ जाता है। और ये बच्चों के मुँह में भी नहीं आती, बड़ी सी रहती है तो उसको निकाल सकते हैं। छोटी छोटी मिर्चियाँ अगर बच्चों के मुंह में आ जाती हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, उनको मिर्ची लगती है, तो इसलिए मैं छोटी चॉप करके नहीं डालती, मैं बड़ी डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, वो थोड़ा सा ही डालूंगी, बच्चे छोटे मिर्ची लग जाएगी। तो ये डालूंगी और सबको अच्छे से फ्राई कर लूंगी मसालों को टमाटर और प्याज के साथ। तो फ्राई होंगे तो इनका अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा मैश। तो ये मसाले हो गए हैं फ्राई, तो मैंने इसमें डाल दिए लौकी कट करके, बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, तो इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी लौकी को। तो आज मैंने बहुत दिन बाद लौकी बनाई है, और खाली लौकी बनाती हूँ तो बच्चे कम खाते हैं। अगर लौकी के साथ चने की दाल मिक्स करके बनाती हूँ तो बच्चों को काफ़ी टेस्टी लगती है, सक्षम भी खा लेता है, श्रीजा भी खा लेती है। और इसमें मैंने डाला है नमक। तो अगर आप खाली लौकी बनाते हैं और बच्चे नहीं खाते, तो आप चने की दाल के साथ इसको बनाइए, आपके बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। तो ये चने की दाल देखिए मेरी फूल गई है, मैंने भिगो के रख दी थी। तो इस दाल को अब मैं डालूंगी कुकर में और मिक्स कर लूंगी। तो अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते तो आप ये चने की दाल के साथ बना सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मजे से शौक से खा लेते हैं इस वाली सब्जी को। तो अब मैं सब चीज़ों को फ्राई करूँगी, और देखिए ये सब चीज़ें मेरी मिक्सअप हो चुकी हैं। इसमें डालूंगी एक गिलास पानी, और एक गिलास पानी डाल के कुकर को बंद कर दूंगी, और इसमें 6-7 सीटी लगाऊंगी। 6-7 सीटी में ये बनेगी, क्योंकि चने की दाल देर से गलती है। और आटा भी अभी बना के रख दूंगी, शाम को फिर रोटियां ही बनानी रहेंगी। तो इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है, और इधर कुकर में मेरे सीटियां आती रहेंगी। इतना मैं अपना आगे का काम कर लेती हूँ ना, तो मैं इतना छत पर जाऊँगी, और छत पर मैंने जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे उनको उतार के लाऊँगी और उनको फोल्ड कर दूँगी। तो इवनिंग में मेरा ये रूटीन है, मैं ये सब काम मुझे करने ही करने होते हैं। छत पे से कपड़े उतार के लाती हूँ, उनको फोल्ड करके रखती हूँ, सब्जियाँ जल्दी बना देती हूँ, इससे शाम के टाइम में मुझे अपने लिए टाइम मिल जाए। बाहर सब लोग जब टहलते हैं घूमते हैं तो मुझे भी टाइम मिल जाए, मैं भी इंजॉय करूँ, और थोड़ी देर बाहर निकल के मूड भी बड़ा फ्रेश सा हो जाता है। पूरे दिन घर में ही बैठे रहो तो मन अजीब सा हो जाता है, अच्छा सा नहीं लगता। तो ये कपड़ों की पिन मैं इधर रख दूँगी, नहीं तो ये खो जाती है हमेशा।
तो मैं उनको उतार के मैं हमेशा ही अंदर रख देती हूँ। तो टावल वगैरह देखिए सब सूख गए, कितनी तेज़ धूप होती है, और पता नहीं धूप तो है लेकिन आज ऐसे हो रहा था जैसे फिर से बादल आ रहे हैं, जैसे फिर से बारिश आएगी। तो हो सकता है एक आध दिन में फिर से बारिश आए, मौसम बार बार पता नहीं क्यों करवटें बदल रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है। और इस सारे कपड़े मैं इस तरह से उतार लूँगी और इनको नीचे ले जाऊँगी, तो जो प्रेस के कपड़े हैं उनको अलग रख लूँगी और जो फोल्ड करने के उनको फोल्ड करके रख दूँगी। तो टावल वगैरह सब कुछ सूख गए हैं, मौसम इस टाइम तो चेंज होने लग गया, बस ये बार 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 बारिश आ रही है तो उसकी वजह से बार बार ठंडक सी हो जाती है। तो सारे कपड़े मैं नीचे ले आई हूँ और सारे टावल टावल मैंने फोल्ड कर लिए हैं और सारे कपड़े मैं फोल्ड कर लूँगी और इनको जगह पर लगा दूँगी। तो ये वाले काम अगर करके जाती हूँ तो आने के बाद में फिर मुझे ये मैस ही नहीं फैलती कि हाँ अब कपड़े फोल्ड करने हैं, अब यहाँ क्या करना है। तो आके काफ़ी सारे काम सिमटे हुए मिलते हैं, जैसे किचन का काम, सब्जी बनी हुई रहती है, आटा बना हुआ रहता है, क्योंकि बाहर से घूमने के आने के बाद में एकदम से किचन में जाने का या फिर और कुछ काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होके फ्री से होके बैठने का मन करता है। तो ये प्रेस के कपड़े अलग निकाल दूंगी, इनको अलग बांध के रखूंगी, बाद में प्रेस करूंगी, और दूसरे जो कपड़े हैं उन सबको फोल्ड कर लूंगी। जैसे किचन वगैरह के हैंकी वैंकी है ना, तो किचन के हैंकी भी मैं रोज़ वॉश करती हूँ, मेरा एक भी हैंकी गंदा नहीं मिलता, मुझे गंदे हैंकी बिल्कुल पसंद नहीं है किचन में। रोज़ वॉश करने से कपड़े हाइजीनिक भी रहता है ना, कपड़ों में स्मेल सी भी नहीं आती। तो मेरा पूरा घर देखिए क्लीन हो गया है, हर चीज़ मैंने जगह पर सेट कर दी है और टाइम हो गया 7:15 और मेरा सारा काम लगभग हो चुका है, सब्जी बन चुकी है, आटा लग चुका है, कपड़े फोल्ड हैं। अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए बाहर और थोड़ी देर चिल करूँगी, बच्चों के साथ में खेलेंगे और बैडमिंटन वगैरह। तो अभी मैं नहीं खेल रही, कम ही खेल रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में मोच आई थी ना, अगर ज़्यादा भागम भागी करूँगी तो फिर से पैर में झटका आ जाएगा। और किचन में भी हर चीज़ मेरी सेट है, पूरे बर्तन क्लीन है, सब्जी बन गई, आटा बन गया। सो फ्रेंड्स, इवनिंग के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने पूरी डिनर की तैयारी भी कर दी है। तो अब मैं जाऊँगी बाहर और मैं भी बच्चों के साथ करूँगी इंजॉय। और आप लोग इवनिंग में क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो अपने वर्क को, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैं भी जाती हूँ बाहर और अपने बच्चों के साथ करती हूँ एंजॉय। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। तो ये एक डॉगी है श्रीजा के बचपन का, जो हमने लिया था जब हम जयपुर में रहते थे, तभी मैंने श्रीजा के लिए लिया था। ये देखिए कैसा लगता है, अभी भी बिल्कुल नया लगता है, कितना क्यूट लगता है। और ये आज मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, गैस कीजिए क्या बनाया है। ये बच्चों के गले में पहनाते हैं ना कपूर, लौंग और इलायची, वो एक छोटी सी एक लॉकेट सा बना लेते हैं, वो मैंने 4 बनाए हैं। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा नहीं, करोना वायरस ही फैल रहा है, इस टाइम पे बीमारियां फैलती हैं, चिकन पॉक्स वगैरह और दूसरी भी इन्फेक्शन का डर रहता है। तो हर साल बच्चों के गले में मैं ये पहना देती हूँ। तो इसके लिए मुझे काला धागा लाना है मार्केट से, वो मैं लाऊंगी शाम को। और ये ओडोमॉस है, सक्षम को और गौरी को लगाऊंगी। और देखिए मेरे फ्रिज का कलर यहाँ से छूट गया है, पुराना हो गया अभी बेचारा फ्रिज। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का डिनर वगैरह सब हो गया है, बाहर हम घूम के आए और बच्चों ने खूब गेम खेला, फिर उसके बाद में डिनर वगैरह किया। तो अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो मैं रात में बनाऊंगी, काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रही है, उसका मुझे घी बनाना है, तो वो बनाऊंगी अब मैं रात में। ये वाले काम मुझे रात में करने पसंद है, क्योंकि दिन में काफ़ी टाइम लग जाता है, अब रात में मैं उसको रख दूंगी, वो आराम से पकता रहेगा, बच्चे इतना पढ़ते रहेंगे, मैं उसको ध्यान रखती रहूँगी। चलिए तो मलाई से घी बनाते हैं। तो ये मेरे किचन में काफ़ी सारी मलाई स्टोर हो गई है, जो फ्रिज में रखती हूँ मैं स्टोर करके। तो इस मलाई से आज हम घी बनाएंगे। तो ये मैं ले लूँगी चमचा, मैं कभी कभी मिक्सी में भी बना लेती हूँ, ब्लेंडर से भी बना लेती हूँ, लेकिन अगर जैसे इस वाले मौसम में घी बड़ी जल्दी निकल जाता है, और मैं पता है ऐसे करती हूँ कि एक रात पहले इसको निकाल के डोंगे को बाहर रख देती हूँ, तो ये बाहर रखा रहता है तो अगले दिन जब इसका घी बनाओ तो बहुत जल्दी निकल जाता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं हमेशा ये ट्रिक अपनाती हूँ। अगर हम फ्रिज से निकाल के एकदम से मक्खन बनाएंगे इसका तो नहीं बने, और नहीं बनता है, काफ़ी टाइम ले लेता है। तो देखिए मैंने मलाई निकाल ली है ये, और ये कल रात मैंने निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी थी। तो ये थोड़ी सी गर्मी में अपने आप, मौसम वैसे भी थोड़ा चेंज हो चुका है, बाहर रखे ना एकदम मक्खन बाहर निकल जाता है इससे, मलाई से। तो मैं इसको थोड़ा सा ही चलाऊंगी और इससे पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और मक्खन एकदम अलग निकल जाएगा। बहुत मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ेगी, तो मिक्सी भी नहीं गंदी करूंगी, ब्लेंडर भी नहीं गंदा करूंगी, अब से ही घी निकालूंगी। तो देखिए आपको भी देखने में लग रहा होगा ना कि एकदम से इकट्ठा सा होने लग गया है और थिक सा हो जाता है ये काफ़ी, और थिक होके फिर इसका जो पानी सा होता है, दूध सा, वो अलग निकल जाता है और मक्खन मक्खन अलग सिमट जाता है। तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट्स भी इसमें नहीं लगेंगे। अगर आप पहले निकाल के रख देंगे ना इसको एक रात पहले या 2 रात पहले,
तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा और टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा। तुरंत निकाल के आप इसको फ्रिज में से लगाने लगोगे तो उसमें बहुत घंटे लग जाते हैं, बहुत टाइम ले लेता है। तो देखिए मट्ठा सा थोड़ा थोड़ा अलग होने लग गया है, घी जमने लग गया है और ये बहुत जल्दी से इससे अलग हो जाएगा। और फिर मैं इसको बनाने के लिए रख दूंगी। और रात में काफ़ी लेट तक जागे रहते हैं बच्चे, थोड़ा खेलते वेलते रहते हैं और हम लोग भी बात करते रहते हैं, तो इतनी देर में मेरा घी आराम से बन जाएगा और जो दिन में जो मेरा टाइम इसमें लगेगा फालतू वो बच जाएगा। दिन में तो और भी इतने काम रहते ही रहते हैं। तो ये जो है मेरा, देखिए अपने आप ही इसमें से ये मट्ठा सा निकल गया बाहर और ये एक साथ ही खट्टा हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और जिससे सारा मक्खन जम जाएगा। तो ये बिल्कुल अलग हो गया है मक्खन और इसका मट्ठा। तो मैं मक्खन को एक साइड में कर लूँगी और इस मट्ठे से को पानी से को जो निकला है ये जो भी आप इसको कहें उसको निकाल दूंगी और इसको गैस पे पकने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा और 2-4 मिनट चलाऊंगी जिससे बिल्कुल इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठा तो हो ही गया है, ये अलग निकल गया है मक्खन और ये पानी अलग हो गया है। तो अब मैंने इसको रख दिया है गैस पे और मैं इसको 2-4 मिनट खड़ी होकर चलाऊंगी तेज गैस पे, फिर ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग रख के भूल जाते हैं ना ऐसी चीज़ों को, तो मैं अधिकतर ध्यान रखती हूँ खड़ी ही हो जाती हूँ जिससे मेरा घी वगैरह जल ना जाए। तो क्योंकि गैस जब मैसी होती है या गंदी होती है उस पर कुछ निकल जाता है तो यार उसको क्लीन करना बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो मैं अपनी गैस को गंदी नहीं होने देती, जल्दी से वहाँ खड़ी होकर वो काम कर लेती हूँ। मैंने गैस को तेज़ किया हुआ है, तेज़ आंच पे मैं इसको थोड़ी देर उबाल आने तक पकाऊंगी। बाद में इसमें इतना उबाल नहीं आएगा, शुरू में जब तक इसमें थोड़ा दूध सा मट्ठा सा है तभी तक उबाल आएगा। तो 2-4 मिनट अगर आप भी ऐसे दूध ये पका रहे घी को तो 2-4 मिनट आप भी खड़े हो जाइए जिससे कि गैस गंदी ना हो या फिर ये जले नहीं, तो ये ठीक रहता है। तो देखिए ये काफ़ी मतलब अब इस पर खद्दा आने लगा है, अभी ऊपर नहीं उठेगा मतलब निकलेगा नहीं बाहर क्योंकि इसका मट्ठा अधिकतर जल सा गया है, भाप बन के उड़ गया है। और ये चमचा डाल के रखूँगी, कभी भी मैं दूध बॉईल करती हूँ या फिर जैसे घी वगैरह बनाती हूँ हमेशा एक चमचा डाल के रखती हूँ। तो उससे मेरा क्या होता है, अगर मेरी गैस सिम है और दूध उबल भी रहा है ना तो वो कभी भी भगौने से बाहर नहीं निकलता, वो चमचे के सहारे रुका रहता है। अगर आप चमचा नहीं डालोगे तो गैस वैस पे फैल जाएगा। तो ये घी देखिए अलग होने लग गया है, तो ये घी मेरा निकल गया है बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी जिसमें मैं जो भी कच्चा मट्ठा सा या जो भी है मलाई सी है ये सब थोड़ी सी ड्राई सी हो जाएगी और ये छानने के लायक हो जाएगा। फिर मैं इसको छलनी से छान के एक डब्बे में अलग निकाल लूँगी। तो मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे चलाऊंगी तो जितना भी लिक्विड ही फॉर्म में इसके अंदर। तो देखिए मेरा घी बन के तैयार हो गया है और आप लोग भी बनाते होंगे ना घर पे घी। और अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करो कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। तो अभी तो मैं नई हूँ, वैसे 2 महीने हो गए मुझे ब्लॉग्स बनाते। सो फ्रेंड्स मैं इस तरह से बनाती हूँ घी मलाई से, तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करना और मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।